विचाराधीन कैदी की मौत से आक्रोशित आदिवासी संगठनों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे से यहां निमाड़ मालवा के आदिवासी समाज जन पहुंचने लगे। TIT कॉम्प्लेक्स के सामने बीच रोड पर शाम करीब 6 बजे तक धरना जारी रहा। धरने में सैकड़ों लोग शामिल हुए। आपको बता दें, यहां शासन की अब तक की कार्रवाई से संगठन पदाधिकारी असंतुष्ट नजर आए। माधुरी बेन ने आरोप लगाया कि खेरकुड़ी निवासी बिशन की मौत व्यवस्था एवं संस्था द्वारा की गई हत्या है। इस मामले में हो रही न्यायिक जांच के आदेश का हम स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हमारी मांग है कि मामले में दोषी पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले। मेडिकल रिपोर्ट में बिशन को स्वस्थ बताने वाले डॉक्टर JP बडेरिया को निलंबित कर उन्हें भी सह आरोपी बनाया जाए, तब जाकर न्याय मिलेगा। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। रहे हैं जिन्होंने काफी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की और अभी उनको हटाया गया है। हमारी मांग ये नहीं है या नहीं, ये नहीं थी कि इसका और उसका ट्रांसफर करो। हमारी मांग ये रही है कि जो जिन्होंने हत्या किया है हत्यारों को गिरफ्तार करो। ये सभी आदिवासी संगठन, और जो संगठन में नहीं है वो आदिवासी नहीं है, पूरे मालवा निमाड़ के आदिवासी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक प्रतिनिधित्व के रूप में। और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो फिर बड़ा व्यापक आंदोलन करने का भी यहाँ पर संकल्प लिया जा रहा है। मामला ये है कि खरगोन के दृष्टांत थाने में चोरी के इल्ज़ाम में कुछ आदिवासियों को पकड़ा कैसे गया कि उनके गांव के पटेल को बोल दिया कि इसी आदमी को पेश करो, तो पटेल उन लोगों को ले गए और उनके पटेल के साथ जो लोग गए थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, जो गांव के नाम से साथ में गए थे। 4 लोगों को उन्होंने 31 अगस्त से बिना विधिवत गिरफ्तारी के उठा के रखा। और आप जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर आप कोर्ट में पेश करना होता है, 24 घंटे के अंदर न पेश करते हुए उनके साथ इतने बर्बर तरीके से मारपीट करते गए कि परिजन घबरा गए। परिजन कोर्ट में आए और यहाँ उन्होंने एक आवेदन लगाया, वो आवेदन की कॉपी भी हमारे पास है, जिसमें कि हमारे लोगों के साथ वो थाने में रखा जा रहा है, कोर्ट में नहीं पेश किया जा रहा है और उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की जा रही है, ये बताया गया। मजिस्ट्रेट के कहने पर फिर अगले दिन 4 तारीख वो लोग पेश हुए। अगर ये नहीं होता तो मजिस्ट्रेट नहीं बोलते तो हो सकता है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने कभी पेश ही नहीं होते, थाने में ही मार के दफनाए जाते। क्या मांग है आपकी? तो हमारी ये मांग है कि जो जो हत्या हुई है उन जो जो दोषी कर्मी हैं उनको सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके ऊपर FIR दर्ज की जानी चाहिए। ये NHRC का गाइडलाइन भी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक FIR भी नहीं दर्ज हुआ है। दूसरा, NHRC का गाइडलाइन है कि पूरा थाने को बदल देना चाहिए, एक ही व्यक्ति वहाँ नहीं बचना चाहिए, बल्कि अभी जो जिस व्यक्ति को बिठाया गया है वो पूरे इस घटनाक्रम में शामिल रहा था, उसी व्यक्ति को अभी प्रभार दिया गया है। इससे समझ में आता है कि प्रशासन बिल्कुल सीरियस नहीं है इस मामले में। तीसरी बात यह है कि जिन दोषी डॉक्टरों ने पहले कोर्ट में बोला कि 3 तारीख के बोला कि वो फिट है, जो बिष्टान के MO हैं, उनको से आरोपी बनाया जाना चाहिए और उनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। खरगोन के हॉस्पिटल के डॉक्टर भदेरिया ने जिन्होंने जब जेल वालों ने लेने से इनकार किया, जेल अधीक्षक ने इनकार किया कि ये घायल आदमी है मैं नहीं लूँगा, तो फिर उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया कि आदमी ये व्यक्ति स्वस्थ है और उसके कोई इंजरीज नहीं है, लेकिन आपने भी वो इंजरी। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।